अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है साहिर इमाम खान और इस वक्त मैं हूँ ब्रतिस्लाविया में, जो कि स्लोवाकिया का कैपिटल है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ। बुडापेस्ट से मैंने ट्रेन ली थी, जो कि मुझे पहले वियना ले गई, फिर वियना से वापस मैं यहाँ आया। ठीक है, ये ट्रेन जिससे मैं आया हूँ, ये यूरो रेल में इंक्लूडेड थी, सेकेंड क्लास का मेरे पास पास है और उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द अब चैनल पे आने वाली है कि यूरो रेल पास आपने कैसे लेना है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। और अभी फ़िलहाल तो यहाँ से मैं निकलता हूँ। अच्छा, स्लोवाकिया जो है, मैं बता चुका हूँ जैसे कि पिछली वीडियो में कि पहले चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया एक देश थे, चेकोस्लोवाकिया। बाद में कुछ डिस्प्यूट के कारण उन दोनों ने एक इंडिपेंडेंट नेशन बना लिया। उससे भी पहले उन लोग हंगरी और उसके साथ अटैच थे, लेकिन वो धीरे धीरे करके अभी फिलहाल ये है कि चेक रिपब्लिक अलग देश है जहाँ चेक करूना चलती है और स्लोवाकिया में शायद यूरोज चलते हैं। अगर यूरोज नहीं चलते होंगे तो बाहर निकल के मुझे पता चल जाएगा तो मैं बता दूंगा। और बहुत सारी बातें हैं इसके बारे में बताने के लिए, फिलहाल सिटी सेंटर चलता हूं और चलते चलते आगे की बातें करते हैं। ठीक है, स्टेशन अभी एग्जिट कर देता हूं। ये देखें, एग्जिट करने के लिए यहां से नीचे जाना है, बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन है। ये है ब्रतिस्लाविया का रेलवे स्टेशन, यहां से मैं अभी बाहर निकला हूं और बाहर निकलने के बाद नज़ारा कुछ इस तरह से है। देखूँ, मुझे लग रहा है यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, ऑन पेपर मुझे नहीं पता, लेकिन फिजिकली फील हो रहा है कि पॉपुलेशन बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के जो कैपिटल्स हैं उससे कम लग रही है, दिख ही नहीं रही। और यहाँ से ना वॉकिंग डिस्टेंस पे एक फ्रीडम स्क्वायर करके जगह है, तो मैं सोचा कि सिटी सेंटर जाने से पहले उसको विजिट कर लेता हूँ। और रही बात स्लोवाक में लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, स्लोवाकिया में तो वो लैंग्वेज को स्लोवाक कहते हैं, वैसे इसका पूरा नाम स्लोवाकिया रिपब्लिक है। और यहाँ की जो नेशनल डिश है, नेशनल डिश भी है यहाँ की, यार ये बस एक नई बात है स्लोवाकिया के बारे में, वो है पोटैटो डम्पलिंग्स विथ शीप चीज़। थोड़ी अजीब है, आप गूगल करके पढ़ लें इसके बारे में। फ़िलहाल मैं फ्रीडम स्क्वायर पहुँच के आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखें कैसा सा बनाया जाने का, साइड में रोड है, बड़ा खूबसूरत सा लगा यार पहला इंप्रेशन इसका, बहुत खूबसूरत है। ये ट्रैम है स्लोवाकिया की, और यूरोप की यही स्पेशलिटी है कि हर जगह की अलग अलग खूबसूरत खूबसूरत सी ट्रैम बनाते हैं लोग। ट्रैम के साथ साथ एक बस भी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखें, ये बस में ना देखो ऊपर पीछे तार, ऊपर तार से जुड़ा होगा, शायद इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। बड़ा मुश्किल होगा यार इसको चलाना, एकदम परफेक्टली चलाना होता होगा। देखो कितनी बड़ी है ये बस यार। यहाँ शहर है, ये मेन शहर है यहाँ। अभी अभी कोरोना वायरस आया है या ज़ॉम्बी अटैक हुआ है, बंदे ही नहीं दिख रहे हैं यार। मतलब जनरली इतना कम नहीं होता है पॉपुलेशन कहीं की भी, यूरोप है, पता नहीं क्या हो गया। ट्रैम चल रही हैं, बंदे ही नहीं दिख रहे हैं। वो एक ट्रैम जो थी जिसको मैंने लास्ट टाइम रिकॉर्ड किया, वो आके खड़ी थी 10 मिनट से, कोई बैठा नहीं। तो इस वक्त मैं आ गया फ्रीडम स्क्वायर पे। अब फ्रीडम स्क्वायर तो गूगल पे दिखा रहा था कि यहाँ की टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन इसके बारे में जब मुझे पता चला, जब मैंने और रिसर्च की ये था क्या और अभी है क्या, तो ये 1970s या 60s के करीब की बात है जब इसे बनाया गया था, और ये उस समय बड़ा शानदार था और बहुत लोग यहाँ आते थे, काइंड ऑफ फाउंटेन था। ठीक है, और 80s तक तो ये बहुत ज़्यादा हिट था, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली 2007 में ये फाउंटेन बंद हुआ, पता नहीं किस रीज़न से हुआ। फाउंटेन बंद हो गया तो उसको तो गवर्नमेंट कोई भी चला ही सकती है, कुछ होगी पॉलिटिक्स। उसके बाद से ये आज तक बन नहीं पाया, आज तक ये बन नहीं पाया। ये ऐसा ही है, ये देखें, ये है फ्रीडम स्क्वायर, ये अभी बैरिगेट्स लगे हुए हैं और ये इस तरह से है। और देखें कोई टूरिस्ट भी यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा। अब मुझे ये समझ में नहीं आता गूगल पे इसको टूरिस्ट अट्रैक्शन क्यों लिखते हैं, मैं अट्रैक्ट होके आ गया, बाकी कोई अट्रैक्ट नहीं हो रहा यहाँ से। और मैं जब यहाँ चल रहा हूँ ना तो लोग मुझे बड़ा अजीब से देख रहे हैं, क्योंकि उनको ना ये आदत नहीं है कि कोई बंदा व्लॉग कर रहा है यहाँ पे चल के। यहाँ उतने फॉरेन टूरिस्ट नहीं आते हैं, क्योंकि अब गूगल पे लिखोगे तो जाहिर सी बात है थोड़ी ना दिखाएगा कि यहाँ पे नहीं आते, लेकिन ये मैं बता सकता हूँ वसूख के साथ कि नहीं आते हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन ना उस लेवल का था और ना यहाँ पे कोई उस तरह का इंतज़ाम है, उस तरह की दुकानें हैं। जो टूरिस्टिक प्लेसेस होती है ना उसके तो हाव भाव से समझ में आ जाता है कि ये खचाखच भरी रहती है। और ये टाइम जो कि अभी समझें मई का टाइम आने वाला है, कल मई की पहली तारीख है, और इस टाइम पे तो पीक होता है टूरिज़्म यूरोप का, और इस टाइम पे यहाँ पे टूरिस्ट नहीं है, यहीं के लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कोई इधर ही शेंगेन एरिया का रेसिडेंट आ जाता होगा। और इंग्लिश यहाँ बहुत कम लोग बोलते हैं, बहुत ही कम लोग, अभी तक मुझसे जितने लोगों ने बात की है स्लोवाक में ही बात कर रहे थे, तो मैंने भी उन्हें कह दिया है कि यार मुझे तो नहीं आती, अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। और देखते हैं कौन सा टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो जिससे सिर्फ मैं अट्रैक्ट होऊंगा। लेकिन ये एक्सपीरियंस मेरे लिए ख़राब नहीं है, मुझे तो यही एक्सपीरियंस चाहिए,
मैं ऐसी जगह कोई घूमूं, मैं पेरिस का व्लॉग डाल दूं, हजारों व्लॉग्स हैं, मुझसे ज्यादा अच्छे व्लॉग्स लोगों ने बना रखे हैं पेरिस के ऊपर। इस्तांबुल पे मैंने डाले हैं व्लॉग्स, उस पे मुझसे बहुत अच्छे व्लॉग्स लोगों ने बना रखे। मुझे वो जगह एक्सप्लोर करनी है जो जनरली लोग नहीं करते और जिसके बारे में जनरली आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, तो उसमें थोड़ी सी किक मिलती है, मज़ा आता है। बस वही सीन है और यहाँ पर मुझे आ रहा है, वरना पहले मैं सोचता था कि वैसे तो सिर्फ अफ्रीका ही हो सकता है, वो भी आजकल इंडियन ब्लॉगर्स वहाँ भी पहुँचे हुए हैं। तो चलें अभी फिलहाल स्लोवाक से ही काम चलाते हैं। ये देखें साइकिल ऊपर रख के ले जा रहा है बंदा। ये मैं चल के जा रहा हूँ क्या बोलते हैं ओल्ड टाउन के पास, है ना। गूगल पे आप लिखेंगे तो दिखाएगा कि बड़ी अमीर कंट्री है, बहुत अच्छा इसके पास वेल्थ है, पर ठीक है अमीर होगी, बहुत अमीर है, अच्छी गाड़ियाँ भी यहाँ पे, लेकिन बाकी यूरोपियन कंट्रीज जितनी तो नहीं लग रही है अभी फ़िलहाल। आसपास प्रेसिडेंट हाउस भी है, पार्लियामेंट भी है, लेकिन यार उतनी अमीर नहीं लग रही है, जिसने घूमा यूरोप से समझ आ रहा होगा। हाँ बाकी अब आप कंपेयर इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से करेंगे तो बहुत अमीर है ये, आगे क्या होगा नहीं पता। यहाँ तक बड़ा हॉरिफिक एक्सपीरियंस रहा, मुझे लग नहीं रहा है साला मैं यूरोप में हूँ, क्या है यार कोई दिख नहीं रहा है मुझे आसपास, कुछ तो भी यहाँ पे हुआ है लफड़ा, क्योंकि गाड़ियाँ हैं अच्छी अच्छी गाड़ियाँ खड़ी हैं लोगों की, पर वो बंदा नहीं दिख रहा है, कुछ तो भी हुआ है यहाँ पे। शायद मैं देखूँगा गूगल पे जाके, जब यहाँ से चला जाऊँगा तो देखूँगा कि साला आज हुआ क्या था, कोई दिख क्यों नहीं रहा था मुझे। अच्छा एक बार को वैसा सीन था उस गली के अंदर, वहीं पर वो मैंने वीडियो बनाई जहाँ पर मैं कह रहा हूँ गरीब है, और यहाँ आते देखो क्या हो गया है। यहाँ पे तातरा बैंक के साथ साथ ये देखें, अब ये बदल ही गया है पूरा, एकदम से वक्त बदल गया है, जज्बात बदल गए। और ये देखें ये है प्रेसिडेंशियल हाउस, यहाँ प्रेसिडेंट रहते हैं स्लोवाक के। देखो ये यूरोपियन यूनियन का झंडा और दूसरा स्लोवाक का झंडा। और इसी के साथ अब मैं कंक्लूड करता हूँ कि देश वाकई में बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, क्योंकि जहाँ पे प्रेसिडेंट का घर हो वहाँ पे भी कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं है। चलिए होता है, लेकिन खैर वैसे इनकी इकोनॉमी अच्छी है, ये ऐसे घूमने फिरने पे डिपेंडेंट नहीं होंगे अपनी इकोनॉमी के लिए, लेकिन इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। 48th नंबर पर आती है अभी अगर आप ऊपर से देखेंगे तो, बड़ी बात है यार। वाली ट्रैम भी है, पुरानी वाली भी यहाँ चलती है। मुझे नहीं पता ये प्लेस कैसी है, लेकिन यहाँ बहुत सारी भीड़ थी इसलिए मैं आ गया हूँ। चल के देखते हैं, और आप लोग बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए आप लोग भी। इन लोग नीचे बैठ के गाना गा रहे हैं, चलें। बेहुदा तस्वीरें लगी हैं। ओह ये है बड़ा प्यारा यार। और आगे चल के दिखाता हूँ, ये दुकानें सारी आज इसलिए बंद है, आज संडे, अच्छा आज संडे इसलिए। ओके समझ आया मुझे, मैं फालतू ही ज़ॉम्बी एपोकलिप्स समझ रहा था, संडे आज भाई टेंशन नहीं लेनी। अच्छा ये देखें, ये शायद कंपास है, बंदे यहाँ पे बहुत हैं, ये कंपास है देखो, है ना, नॉर्थ साउथ लिखा है, पर यहाँ जगह का नाम भी लिखा होगा, बुडापेस्ट, इस्तांबुल, जेरूशलम, अथीना। पुराने ज़माने का है कंपास, ठीक है, लोग इसे बड़ा देखते हैं प्यार से। अब लग रहा है यूरोप आ गया हूँ मैं, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं ज़ॉम्बीज़ की, क्योंकि अब मुझे पता है ये यहाँ क्यों है। पता है आपको यहाँ की ना वो बियर बहुत फेमस है, यहाँ बियर पीने आए हुए हैं सारे, ये लाइन से यहाँ पे बाहर से। हाँ पर घूर अभी भी रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो वो इनका आदत नहीं जाएगा। मैग्नेट की शॉप पे आके मैग्नेट तो लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा लेता हूँ, ऐसे ज़रूरी नहीं है ये, मैं यादगार के तौर पे लेता हूँ, क्योंकि अब 60-70 साल का हो जाऊँगा तो देखूँगा ना कहाँ कहाँ घूमूँ यार, कोई अच्छा ही नहीं है, इसमें क्या लूँ, अंदर से देखता हूँ।
दो यूरो के भी हैं। साइड हो जा भाई। ब्रतस्लाविया कौन सा अच्छा है? कोई भी अच्छा नहीं लगा फाइनली। चलें ये ले लेता हूँ एटलीस्ट, थोड़ा देखने में तो अच्छा लग रहा है। नहीं यार ये अलग सा डिज़ाइन है, ये मिल गया परफेक्ट। और भी यहाँ पैसा वेस्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसे करना वो शौक से कर सकता है। हेलवे नमस्ते, यानी मेन स्क्वायर जो है वो लेफ्ट की तरफ है। और ये पत्थर पता नहीं अजीब सा है, पता क्या डिपिक्ट करता है यार। लिख भी देते यार क्या चीज़ के लिए। हाँ लिखा है जो भी है 2003 का है। अच्छा है। आवाज़ ही नहीं आ रही है, वो बंदा इतना ज़ोर से बजा रहा है, इसी की आवाज़ आ रही है। अभी मैं जाया हूँ उस जगह को, सोचा नेपोलिया कहते हैं इसके वजह से कहते हैं। बंदा दिख रहा है? ये बंदा नहीं है, स्टैचू है। मैं आपको बताता हूँ क्या मसला है। ये नेपोलियन बोनापार्ट जो था ना, ये उसका एक सोल्जर था और ये उसका स्टैचू बना है। आँख नहीं दिख रही भाई की, लेकिन ठीक है, अच्छा पोज में खड़ा है। दूर से बड़े कन्फ्यूज़न हुई मुझे कि भाई कौन बंदा ऐसे खड़ा है, इसके साथ लोग फोटो खिंचा रहे हैं। एंड आप लोग मानोगे नहीं, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और देखो देखो, पहले मैं दिखाता हूँ, पहले तो ये मूर्ति देख लो। ये बड़ी चले अच्छी बात है, कोई भी होगा नेपोलियन होगा। ये क्या है, ये क्या है, ये अल्लाह माफ़ करे कितनी बेगैरती है। वो वहाँ पेशाब कर रहा है, इसके मुंह से निकल रहा है, और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। इसी तरह से बेल्जियम में मैं जब गया था, ब्रसेल्स, वहाँ पे भी वो मैनकन पीस जो था, कुछ तो भी गड़बड़ है इन लोग के साथ ही। क्या चीज़ है यार, इसको हमारे देश में, मैं बड़ा शुक्र गुजार हूँ खुदा का कि हमारा मुल्क में ऐसी चीज़ें नहीं है, और ऐसी टूरिस्टिक प्लेसेस चाहिए भी नहीं। सच बड़ा वल्गर सा लग रहा है यार, कैमरे पे भी आपको दिख रहा है कितना वल्गर लग रहा है। अब लोग बोलेंगे मैं बहुत नेगेटिव बोलता हूँ, नेगेटिव क्या पॉजिटिव बोलूँ उसको मैं, जिसको हज़ारों लोग खड़े होकर देख रहे हैं। अभी जगह ही स्कल्पचर्स के लिए फेमस है, तो वो देखते चलें आप लोग। ये कोई लोकल पर्सनैलिटी है, उसका स्कल्पचर है, और इसका नाम इनकी लैंग्वेज में कुछ अजीब सा है। ठीक है, मेरा भी इसके साथ एक पोज हो जाए। कैसे लग रहे हैं हम दोनों साथ में? बस वही दिखाना था आप लोग को। और एक और है, एक और बंदा जिसका इन्होंने मूर्ति बनाया हुआ है, मैं उसके पास भी लेके चलता हूँ आप लोग को। इस स्टैचू को कहते हैं मैन इन अ मैन होल। इसके पास जो बंदे आके फोटो खिंचा रहे हैं, ये पूरा ब्रॉन्ज का बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ लाइन लगी हुई है लोगों की फोटो खिंचाने की। ठीक है, देखें ये लाइन, देखें ये लाइन लगी, इनको बस आके इसके साथ फोटो खिंचानी है। चले अच्छा है। वो नाला है, सही में नाला है, वहाँ सिगरेट पड़ी है, गंदगी है। इतना रियलिस्टिक इसको दिया है ना व्यू। मैं वापस जा रहा था, लेकिन सोचा एक दफ़ा और साथ में बना लूँ वीडियो थंबनेल के लिए, और बस थंबनेल बन गया। अब मुझे लग रही है भूख और कुछ खाना है, और इंडियन रेस्टोरेंट मैंने सर्च किया इसलिए क्योंकि यहाँ पे हलाल नहीं मिलता है ना खाना। और वैसे कायदे से ये करना चाहिए कि आप जहाँ जा रहे हो वहीं का खाना खाओ। मैंने किया था टर्की में, टर्किशी खाना खाया, और भी कई जगह पे किया, बेल्जियम गया था, वफेल्स लिया था, लेकिन यहाँ पे सीन ये है कि हलाल नहीं मिलता ना, और मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। और खाना मुझे नॉन वेज, वेज तो मैं बहुत हार्डली खाता हूँ, नॉन वेज के साथ कोई घास फूस दे दे तो मैं खा लेता हूँ, अदरवाइज़ मैं ऐसे वेजिटेरियन कोई खाता नहीं हूँ। तो जो सबसे फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ का इंडियन, उसका नाम क्या, गेस कर सकते हैं आप लोग? बहुत अलग, बॉम्बे रेस्टोरेंट, बॉम्बे। पर वो बंद है आज, अल्लाह का शुक्र है। तो दूसरा रेस्टोरेंट एक है रेड चिलीज़, वो वाला रेड चिलीज़ नहीं, ये दूसरा रेड चिलीज़ है। वहाँ जा रहा हूँ, देखता हूँ कैसा होगा, खुला भी होगा कि नहीं, और अगर अच्छा हुआ तो इस बार मैं जेन्युइन रिव्यू देता हूँ आपको, क्योंकि ये जगह ऐसी है, यहाँ पे दो तीन तो रेस्टोरेंट है इनके इंडियन, तो एक का तो मैं रिव्यू दे दूंगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे। ठीक है, ये मैप में ऐसी लोकेशन दिखा रही है, कहाँ पे रेस्टोरेंट खोला है भाई, कोई है भी नहीं यहाँ पे। देखता हूँ मैं, पता नहीं अजीब है। अच्छा अच्छा, ये अच्छा पासिंग के लिए, वहाँ से फिर ये बाहर निकल जाएगा रास्ता। आ गया इंडियन रेस्टोरेंट एंड बार रेड चिली। ये है इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर का, देखिए ताजमहल भी बना है, और बोला था ना यहाँ तो बॉम्बे नहीं तो ताजमहल होता है, और हिंदी गाने बज रहे हैं।
खाने भयंकर सस्ते हैं यूरोप के हिसाब से, तो आज तो पेट भर के खाने वाला हूँ मैं, और ऑर्डर करने के बाद आप लोग को दिखाता हूँ क्या मैंने लिया। तो ये पहला स्टार्टर है लस्सी, ठीक है, इस पर क्या रिव्यू देना है तो अच्छी होती है, बाकी मेन खाना आता है तो बात करते हैं। चिकन सूप था, बहुत अच्छा था, अच्छा था, बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगा, अच्छा था, है ना। बिरयानी है, अभी खाई नहीं है मैंने, दिखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है, और रिव्यू मैं एक बार में निकल के दूंगा। अभी बिरयानी है, हलवा भी नॉर्मल सही होगा इसलिए इसको दिखाने का मतलब नहीं, निकल के रिव्यू देना है मेन। और ये अपना लास्ट डिज़र्ट हलवा, गाजर का। यार ये कैसा कुत्ता है, मैंने ऐसा कुत्ता कभी नहीं देखा, कोई अजीब ही है यार ये, क्या कुत्ता है देखें, बकरी जैसा लग रहा है। अच्छी बात तो ये है कि इनके ओनर लोग बुरा नहीं मानते इनका, वीडियो निकालें हमारे हिंदुस्तान में निकालें, आप वीडियो देखें, वो आके आपसे 10 सवाल करेगा क्या भाई क्या मसला है आपको। मसला कुछ नहीं है, अच्छा लग रहा था तो मैंने वीडियो निकाल लिया, और क्या है, ये चीज़ अच्छी है। टॉलरेंस है यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा, पूरे यूरोप में ये चीज़। ये देखिए स्लोवाकिया में 1848 से रेलवे स्टार्ट हुई थी, और दूसरी लाइन इंग्लिश में लिखी है, 150 साल इनको कम्प्लीट हो गया इनके रेलवे को, और इनका कंपाउंड है रेलवे का, जहाँ से प्लेटफॉर्म से आके बंदे यहाँ से आते हैं और यहाँ से एग्ज़िट ले लेते हैं, और आगे शॉप्स वगैरह हैं, दिख रही होंगी वो सारी शॉप्स।